नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलकार। मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पानीपत के चुलकाना धाम श्री खाटू श्याम निवास धाम से। और ये देखिए कि नए साल का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन पे हालांकि कल का जिक्र करूं तो आज एकादशी है, लेकिन कल नया साल था। और नए साल, जी हां, नए साल पर कल लाखों की भीड़ यहां पर उमड़ी। तमाम व्यवस्थाएं जो यहां पर की गई थी वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आई, क्योंकि नहीं लोगों को उम्मीद थी, ना कमेटी को उम्मीद थी, ना पुलिस को उम्मीद थी कि इतनी सारी भीड़ अचानक से इतनी आ जाएगी। क्योंकि कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बाहर से, दूर दूर से लोग, श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। पैर रखने की गलियां जो थी, चुलकाना गांव की जो गलियां थी वो भी छोटी पड़ गई थी। तिल फेंकने की भी जगह नहीं थी कल चुलकाना के अंदर। और क्योंकि नए साल पर एक अच्छी शुरुआत हर कोई आदमी करना चाहता था, जो भी माता को अगर कोई मानता है तो माता शिवजी को कोई मानता है, कोई हरिद्वार, कोई वैष्णो देवी गया हुआ था, जो श्री श्याम को, खाटू श्याम को मानते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी। और तो आज फिर एकादशी का दिन है, खाटू श्याम एकादशी के दिन पूजे जाते हैं, उसीलिए आज भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी सारी भीड़, काफी सारे श्रद्धालु है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और लोगों से भी जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की व्यवस्था है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस लगातार कल और आज दोनों दिन पुलिस की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रहे हैं। और वॉलंटियर्स की बात करें, करीब करीब 3 दर्जन के आसपास जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से, लाइन बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। बातचीत करने की कोशिश करेंगे वॉलंटियर से। यहां पर आप यहां पर देख पा रहे हैं कि निस्वार्थ भावना से ये लोग लगे हुए हैं, सेवा भावना से ये लगे हैं। और खाटू श्याम माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आई होगी, तो जो सेवा भावना से गांव के ही कुछ लोग हैं, करीब करीब 3 दर्जन के आसपास यहां पर लगे हुए हैं। ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लाइनें यहां पर लगाई जा रही है, कोई सेल्फी ले रहा, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और वॉलंटियर से जानेंगे कि क्या कुछ कल कितनी भीड़ आपको यहां पर देखने को मिली, आप लगातार 2 दिन से यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। कल तो जी तकरीबन 5-6-7 लाख के लगभग श्रद्धालु आए थे। वैसे काफी रश था कल, कुछ तो नए साल की वजह से श्रद्धालु दूर दूर से आए, कुछ कल संडे की वजह से, संडे आने के कारण डबल भीड़ हो जाती है। हर संडे तकरीबन 5-6 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से नया साल है, हर कोई आदमी एक अच्छी शुरुआत करना चाहता है, भगवान के दर्शन करके करना चाहता है। कोई वैष्णो देवी गया था, कोई हरिद्वार गया था, जो शिव भक्त हैं, जो खाटू श्याम को मानते हैं, वो चुलकाना धाम के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। जो जैसे अब खाटू श्याम राजस्थान धाम है, जो अभी कंस्ट्रक्शन के कारण बंद है वहाँ पे दर्शन, इस कारण वहाँ की वजह लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। कारण यही है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ज्यादा दर्शन करने लोग यही आते हैं। और तमाम लोगों से अपील रहेगी कि कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, तमाम तरह के जो कमेंट्स है वो जरूर करें। देखिए, गुलाब का फूल हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के, बुजुर्ग शख्स भी हैं। कितने दिन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम जमुनानगर से आ रहे हैं। अच्छा, कल नया साल था और आज एकादशी है, कल आना चाह रहे होंगे, इच्छा होगी कल? नहीं, सिर्फ एकादशी को ही पधारते हैं, एकादशी को ही आते हैं। चाहे ये मंदिर हो खाटू श्याम का या हमारे जमुनानगर में जो सा है, वो कहीं भी हो वहीं निकल जाते हैं। खाटू श्याम तो नहीं दर्शन कर पा रहे होंगे, बंद है वहां तो मंदिर शायद? अभी बंद है खाटू श्याम, सितंबर में हो गया था, उसके बाद बंद है, अब 2 महीने हो गए। क्या बोले? जय श्री श्याम।
जय श्री श्याम। देखिए गुलाब के फूल हाथ में, कोई मूंगफलियां लेके आ रहे हैं, कोई केले, जिसकी जो श्रद्धा है प्रसाद में, तमाम श्रद्धा यहाँ पूर्वक यहाँ पर लोग पहुंचे। जी जय श्री श्याम। छोटे छोटे बच्चे, हर कोई आदमी यहाँ पर मन्नते मांगते हुए नजर आया। जय श्री श्याम। कुछ नहीं है। कहाँ से आया? मलिकपुर से। हरियाणा सोनीपत वीपीओ मलिकपुर। जय श्री श्याम। जी आप बताइए। हाँ जी बोलिए। कहाँ से आए सर? नोएडा से, बंगेल। पहले भी आप यहाँ पे आते रहे या फिर जो खाटू श्याम वहाँ पे बंद है मंदिर, इसलिए यहाँ पे आए? मंदिर बंद है इसलिए यहाँ आए। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए। पहले नाम काना धाम का नाम सुना था लेकिन आए नहीं, कभी आए नहीं है, पहली बार आए। कोई लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कान्हा जी भी हैं, वो लेकर के यहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। टी बता दो एक बार, कहाँ से आए हो आप? ताजपुर से, सोनीपत से। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वाले जो तमाम लोग हैं यहाँ पर सेवक है, फिलहाल यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए लगे हुए हैं। पुलिस व्यवस्था आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार दो दिन से ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी भी, और कोई भी किसी तरह की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। और यहाँ पर कितने आप लोगों ने पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ? 50 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं? दिन रात, दिन रात। आजाद की है या कल भी रहेगी? अभी तक तो आजाद की है, बाकी जैसे ही भीड़ होगी तो उसके अनुसार। कल तो काफी सारी भीड़ थी, मेरे ख्याल में लाखों लोग बता रहे हैं। कल तो ज्यादा थी भीड़, कल ज्यादा भीड़ थी। चलिए, तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। प्रसाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ पर श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धा लेकर के यहाँ पर प्रसाद बांटते हुए, प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आ रहे होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल काफी भीड़ थी। आवा सिंह पुजारी हूँ, नया साल मुबारक हो सभी को। कल काफी भीड़ थी, लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे। जी 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 पहुंचे, सबकी मन्नत पूरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। ये आप धागे देख पा रहे हैं कि मन्नत के धागे हैं लोगों के, जिनको कुछ उम्मीद है, जो यहाँ पर श्रद्धा लेकर के आते हैं, कोई बच्चे की श्रद्धा, किसी को कुछ, कोई कारोबार की, किसी भी वजह से अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो वो मन्नतें मांग रहे हैं यहाँ पर धागे बांध करके। और जब जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद में यहाँ पर धागा खोल देते हैं। कमेटी के प्रधान यहाँ पर हैं, फिलहाल हमारे साथ हैं, और रोशन जी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसी व्यवस्थाएं, लगातार दो दिन से संघर्ष से जूझ रहे हैं आप, कल काफी सारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। बाबा ने नए साल में सभी भक्तों के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कराए और लाइनिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी चली। थोड़ा जैसे भीड़ था उसको देखते हुए थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई छोटी मोटी, पर उसको काबू रखा, सब कुछ आराम से पब्लिक के दर्शन हुए। प्रशासन हमारे साथ लगा रहा शाम तक, और हमें सिक्योरिटी के भी बंदे बहुत थे हमारे पास, और गाँव के भी लड़के 50-55 थे। बहुत आराम से और बहुत शांति प्रिय दर्शन हुए पब्लिक के, कोई छूट मुट घटना नहीं हुई। अपार भीड़ थी, जन्मदिन नहीं, आज तक खाटू में भी नहीं हुई होगी इतना भीड़ जितनी यहाँ थी। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपील करूंगा मैं तमाम दर्शकों से कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब ये दर्शन के बाद वापस, हाँ बताइए बताइए। हमारे एसपी साहब के आदेश से थाना संभाल का SHO यहाँ अपनी फोर्स के साथ तैनात रहे,
और पूरी व्यवस्था को संभाले रखा। शाम तक पब्लिक बड़े आराम से दर्शन करके गई। कल भी आ रहा, आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर शिफ्ट शायद चेंज होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद में फिर से यहाँ पर आखिरी बार मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार। और ये देखिए कहाँ से आए हैं सर? यहीं से, गांव से ही है। गांव व्यवस्था संभालने में लगे, संभाल रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा प्रभाव है बाबा का, अच्छा यात्री भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन अच्छा सहयोग कर रहा है। हमारे गांव के बहुत बच्चे हैं। चलिए सहयोगी रतनलाल के साथ चुलकाना धाम खाटू श्याम, जय श्री श्याम। मैं संदीप शर्मा, नमस्कार।